जय माँ शारदे आर के माह मैथोमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है दोस्तों आज हम तीकुमिति का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो 2024 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेंथ क्लास के लिए ठीक है दोस्तों कहा जाता है दोस्तों आज तुम छोड़ोगे तो कल के लिए पछताने के लिए बाद दूसरा कुछ नहीं रहता है दोस्तों कहा जाता है सपने सच ना हो तो अपने रास्ते को बदलिए इरादे को नहीं क्योंकि पेड़ अपने पतियों को बदल देते हैं जड़े नहीं कहने का तात्पर्य है कि जब भी सपने आपका सच ना हो तो अपने रास्ते को बदल दीजिए लेकिन अपने इरादे को कभी मत बदलिए क्योंकि आपको लाना है नबे प्लस अगर मैथ में लाना है पंचानवे प्लस लाना है सपने को साकार करना है तो ये वीडियो को जरूर देखें दोस्तों आपको पूरे सहयोग देंगे आर के माही मेथोमेटिक्स क्लासेज कहा जाता है दोस्तों से जिंदगी उसी का सफल होता है जो अपने भरोसे जीता है भाग के भरोसे जीना तो कायरों का काम होता है ज़िंदगी उसी का सफल होता है जो अपने भरोसे जीता है ठीक है दोस्तों तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो आपको छियानवे ऑब्जेक्टिव जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा जो आपको दो पार्ट में दिखाया जाएगा ये पहला पार्ट जो हम आज बना रहे हैं फिर कल दस दूसरे पार्ट बनाएंगे जो छियानवे को दो भागों में बांट देंगे हम लोग आज आपको देखने को मिलेगा पचास ऑब्जेक्टिव ठीक है दोस्तों तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक की ओर क्वेश्चन नंबर एक आपका क्या कह रहा है यहाँ पर ध्यान दिया जाए से टैन पाई बाई टू का मान होगा तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पाई का मान एक सौ अस्सी डिग्री होता है क्या होता है पाई का मान एक सौ अस्सी डिग्री होता है तो यहाँ पर जो आपका देख रहे हैं टैन पाई बाई टू तो पाई का जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे एक सौ अस्सी बाटा टू लिखेंगे यहाँ पर भाग देंगे तो कितना मर्तब कटेगा जब दो से भाग देंगे तो नब्बे होगा तो टैन नब्बे का मान आप लोग को मालूम है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा टेन नब्बे डिग्री का मान अपरिभाषित होता है ठीक है दोस्तों तो अपरिभाषित देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर राइट आंसर सही है तो राइट आंसर आपका डी सही है ठीक है अब यहाँ पर दो नंबर क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है वन बाई रूट थ्री किसके बराबर है तो वन बाय रूट थ्री जो है किसके बराबर है तो यहाँ पर देखिए टेन साठ का हो गया या पैंतालीस या तीस का तो आपको याद होगा टैन तीस डिग्री का मान जो होता है वन बाई रूट थ्री होता है तो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका जो है डी नंबर इसका भी आपका सही है ठीक है दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन आपका कह रहा है सेक स्क्वायर माइनस वन किसका मान होता है तो सेक स्क्वायर माइनस वन जो होता है टेन स्क्वायर का मान होता है वो कैसे होता है हम बताते हैं ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका मूल सूत्र होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ठीठा यहाँ पर ठीठा लिख दीजिए ठीक है बराबर वन होता है तो ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर जब भी हम लोग माइनस यहाँ पर होगा से के स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर वन होता है तो यहाँ पर जब भी टेन स्क्वायर बराबर कीजिएगा तो क्या होगा ये से इधर आके क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन पहले से ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सी के स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा ठीक है इसका राइट आंसर आपका टेन स्क्वायर ठीक होगा चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार की ओर चलिए यहाँ देखते पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार आपका क्या कह रहा है उसी तरह के पाई के जगह पर आपको एक सौ अस्सी डिग्री का मान रखना है दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये साइन कितना दिया हुआ है साइन आपका दिया हुआ है पाई बाई फोर तो यहाँ पर पाई बाई फोर दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है कॉस पाई बाई फोर दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर जब भी पाई का मान हम लोग एक सौ अस्सी रखेंगे एक सौ अस्सी में हम लोग चार से डिवाइड करेंगे तो कितना मर्तबे कटेगा यहाँ पर चार चौका हो जाएगा सोलह और चार पचे चार चौका सोलह और चार पचे बीस तो पैंतालीस मरतबे आपका कटता है ठीक है ना तो यहाँ पर देखिए साइन पैंतालीस डिग्री हो जाएगा यहाँ पर भी कॉस पैंतालीस डिग्री हो जाएगा तो दोनों के मान क्या आता है दोस्तों यहाँ पर ध्यान दिया जाए साइन पैंतालीस का मान वन बाई कितना आता है रूट टू आता है और कॉस पैंतालीस का भी वन बाई रूट टू आता है तो वन बाई रूट टू माइनस हो जाएगा वन बाई रूट टू तो इसको हम लोग क्या करते हैं जब भी घटाएंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही होगा ठीक है दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फाइव देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव आपका बहुत ईजी प्रश्न है जो आपको हमेशा कर देता है बीजी यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कॉस ए जो है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ए प्लस न, ए प्लस बी बराबर नब्बे डिग्री यहाँ पर देख देख रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दि से ए के पद में यहाँ पर है तो यहाँ पर ए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले ए प्लस आपका बी बराबर कितना है? 90 डिग्री है नब्बे डिग्री है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर कॉस ए है तो यहाँ पर ए बराबर हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे नब्बे माइनस बी लिखेंगे ठीक है तो एक जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे ए का मान कितना है नब्बे नब माइनस बी तो यहाँ पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कोस एक जगह पर हम लोग का ए बराबर एक के जगह पर हम लोग नब्बे माइनस बी लिखेंगे तो यहाँ पर हमको नब्बे माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा तो कोस नब्बे माइनस बी बराबर क्या होगा साइन बी होगा क्या होगा साइन बी होगा ठीक है दोस्तों आठ दसमलोग तीन का आप लोग सूत्र देखे होंगे ठीक है तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है ठीक है दोस्तों चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर छः को देखते हैं क्वेश्चन नंबर छः आपका पंद्रह दो हज़ार पंद्रह के सप्लीमेंट्री में पूछा गया है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले इसको हम लोग तीन के कितने मरतबे काटेंगे तीस ती आई नब्बे यहाँ पर तीस डिग्री हो गया ठीक है दोस्तों तो ठीठा का मान कितना हो गया तीस डिग्री तो ती यहाँ पर ठीठा के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे तीस डिग्री लिखेंगे तो कौस तीस का मान क्या होता है आप लोग को मालूम है तो कौस तीस डिग्री का मान आपको बता दें कौस तीस डिग्री का मान होता है रूट थ्री बाई टू होता है ठीक है दोस्तों कितना होता है कॉस्ट थ्री रूट थ्री बाई टू बी आंसर आपका राइट आंसर सही होगा ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट सवाल जो है क्या दिया हुआ है आप लोग को ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपको पूछा गया है सप्लीमेंट्री दो हजार बारह के सी में दो हजार पंद्रह में पूछा गया है सत्रह में पूछा गया और अट्ठारह में भी पूछा गया है ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले वन प्लस टेन स्क्वायर थीठा का सूत्र आपका होता है सेक स्क्वायर आप लोग सूत्र अच्छा तरीका से याद कर लीजिएगा देखिए यहाँ पर कितना सूत्र दिया हुआ है अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ में क्वेश्चन नंबर आठ दोस्तों मेरा क्या कह रहा है सो वन बाई रूट थ्री किसके बराबर होता है तो वन बाई रूट थ्री आपको बता दे से टें तीस डिग्री का मान होता है वन बाई रूट थ्री या आपको होगा दोस्तों कोर्ट कोर्ट कितना डिग्री का होता है साठ डिग्री का होता है ठीक है टेन तीस डिग्री का होता है आई नहीं तो कोर्ट साठ डिग्री का होता है तो चलिए इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर सही होता है ठीक है दोस्तों चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग सबसे पहले टैन को देख लेते हैं और कोर्ट को जांच कर लेंगे ठीक है तो टैन यहाँ पर पाई के जगह पर जब हम एक सौ अस्सी रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जब हम लोग कटेगा कितना मत कटेगा छ तिर का अठारह यहाँ तीस डिग्री का कौन बन जा रहा है दोस्तों तीस डिग्री का हो रहा है तो ये आपका राइट आंसर आपका सी ही डायरेक्ट आंसर होगा ठीक है दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर से नौ देखते हैं क्वेश्चन नंबर नौ बहुत ईजी आपका प्रश्न दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर नौ में आपको बता रहा है से कौशिक ठिठार रूट थ्री कौशिक ठीठा बराबर कितना है टू दिया हुआ है तो ठीठा का मान बताना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों जब गुना में रहता है तो क्या होता है भाग लगता है तो यहाँ पर बता दें हम रूट थ्री क्या लिखा हुआ है कौशिक थीठा क्या लिखा हुआ है कौशिक थीठा टू हो गया ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों कौशिक ठीठा बराबर आपको क्या होगा कितना होगा टू बाई रूट थ्री क्या होगा टू बाई रूट थ्री तो कौशिक कितना डिग्री का मान टू बाई रूट थ्री होता है आप बताइए तो कौशिक कितना डिग्री का मान टू बाई रूट थ्री होता है तो यहाँ पर कौशिक यहाँ पर होगा सात डिग्री का मान होता है ठीक है दोस्तों तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही होगा चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दस क्वेश्चन नंबर दस आपको क्या बताया जा रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे तब इस ऑप्शन में देखेंगे इससे कौन से ऑप्शन के बराबर है तो दोस्तों टेन स्क्वायर का सूत्र आप लोग जानते हैं कितना होता है सेक स्क्वायर होता है क्या होता है सेक स्क्वायर होता है ठीक है दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं और इसके बटा में कौशे स्क्वायर दिया हुआ है ठीक है ना चलिए कौशिक स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर कौशिक स्क्वायर है तो आप लोग को मालूम होगा से सी का सूत्र क्या होता है वन बाई कॉस होता है क्या होता है वन बाई कौश होता है और कौशे का सूत्र क्या होता है वन बाटा साइन स्क्वायर होता है ठीक है ना कौश स्क्वायर का क्या होगा वन बाटा साइन यहाँ पर होगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब ये आपका बटा में है वन बाई कॉस या वन वन बाई साइन तो वन बाई कॉस तो अपनी जगह पर ही रहेगा और साइन ऊपर चल जाएगा साइन क्या चलेगा ऊपर चल जाएगा तो साइन ऊपर जब भी जाएगा तो साइन बाई कॉस होगा ठीक है ना तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर आपका कितना होगा टेन स्क्वायर हुआ था टेन स्क्वायर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर सही है तो आपका राइट आंसर बी आंसर सही है ठीक दोस्तो? right है दोस्तों आपका राइट आंसर आपका बी आंसर हो जाता है चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह में क्वेश्चन नंबर ग्यारह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ध्यान दिया जाए यहाँ पर ध्यान दिया जाए टू कोस ठीठा बराबर वन है तो का मान ज्ञात करना है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर यहाँ पर कॉस ठीक बराबर क्या हो जाएगा जब ये टू गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा तो वन बाय कितना होगा रूट टू होगा तो कॉस कितना डिग्री के मान वन बाई रूट टू होता है तो कॉस पैंतालीस डिग्री के मान वन बाय रूट टू होता है तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट सही होगा ठीक है दोस्तों चलिए आगे देखते हैं बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर ध्यान दिया जाए वन प्लस कोट स्क्वायर किसका सूत्र होता है तो कौशे स्क्वायर का सूत्र होता है किसका होता है कौशिक स्क्वायर का सूत्र होता है ठीक है वन प्लस टेन स्क्वायर स्क्वायर का सूत्र होता है किसका होता है का तो उसी प्रकार आपका का सूत्र क्या वन बटा साइन स्क्वायर ठीक है का square, उसी तरह सेक का हो जाएगा वन बटा कॉस ठीक है तो इस तरह का जब भी होगा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा ठीक है दोस्तों तो नीचे वाला ऊपर जब जाएगा तो क्या होगा कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर बटा क्या होगा साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर आपका किसका सूत्र होता है कोर्स स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर आपका कोट स्क्वायर का सूत्र होता है तो यहाँ पर कोट स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर सही है ठीक है आगे हम लोग चलते हैं चलिए बहुत अच्छी बात है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है तेरह आपको बताया जा रहा है यहाँ पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाएंगे ए बी यहाँ पर सी रहेगा तो साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है तो लम्ब आपका तीन हो गया कर्ण आपका पाँच हो गया तो क्या करते हैं आधार निकालने के लिए हम लोग कर्ण में से घटा लेते हैं ठीक है ना आधार निकालने के लिए कर्ण में से घटा लेते हैं तो इसका सूत्र आप लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर तो कर्ण कितना है पाँच पाँच का स्क्वायर हो जाएगा माइनस लम का स्क्वायर लम आपका कितना है तीन होगा ठीक है तो पाँच का स्क्वायर हो जाएगा पच्चीस और यहाँ हो जाएगा नौ ठीक है जब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सोलह हो जाएगा सोलह का वर्गमूल कितना होता है चार होता है ठीक है ना तो ये आपका आधार कितना हो गया चार हो गया ठीक है तो चलिए क्वेश्चन का मान कॉस्टिटा के बाद आधार बटा बट्टाउन आधार कितना है आपका चार अकाउंट कितना है पाँच तो चार बट्टा पाँच आंसर हो जाएगा तो चार बट्टा पाँच आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका बी में दिया हुआ है चार बट्टा पाँच चार बट्टा पाँच देख लेते हैं ये नंबर राइट आंसर सही है ठीक है दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका ध्यान दीजिएगा चौदह दिन में दिया हुआ है नाइन सेक्स स्क्वाय टीठा नाइन टेन स्क्वाय टीटा तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं तो दोनों में नाइन शामिल है आप लोग कॉमन ले लीजिए यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीठर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीठर तो दोस्तों आप लोग जिसको मालूम होगा अगर सूत्र याद रखे होंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नौ गुने हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का वन होता है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर नाइन होगा जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है बी नंबर राइट आंसर सही है ठीक है दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं ध्यान दीजिएगा दोस्तों एक विशेष यहाँ पर ध्यान देने की बात है दोस्तों ऐसे प्रश्न आएगा तो आपको यहाँ पर अगर गुणांक के रूप में अगर कुछ नहीं रहे डायरेक्ट आपका रहता साइन अड़तीस डिग्री बटा कोस बावन डिग्री तो ऐसे रहता तो आपको वन आंसर आ जाता ठीक है दोस्तों लेकिन इसके अगर गुणांक में जो भी आपको संख्या दिया हुआ रहेगा तो जितना रहेगा उतना ही आंसर होगा दोस्तों तो या इसका राइट आंसर आपका दो होगा जो ऑप्शन नंबर ए में होगा और कैसे दो होगा आपको विस्तार से हम बताते हैं ठीक है दोस्तों यहाँ पर टू साइन अड़तीस डिग्री आपको दिया हुआ है ठीक है दोस्तों हम लोग आठ दशमलव तीन का सूत्र से जानते हैं यहाँ पर कौश जो है दोस्तों यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं कौश नब्बे माइनस बावन नहीं अड़तीस लिख देंगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कैसे हम लोग लिखते हैं जो ऊपर वाले हम नीचे वाले चेंज करते हैं ठीक है दोस्तों तो ऊपर वाले जो रहेगा उतना नब्बे माइनस लिख देते हैं ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर नब्बे माइनस अड़तीस जब लिखे हैं तो नब्बे में से अड़तीस घटेगा तो मेरा क्या आ जाएगा बावन आ जाएगा ठीक है तो आप लोग को सूत्र याद होगा नबे माइनसा बराबर क्या होता है साइन ठीठा होता है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों टू आप देख रहे हैं साइन अड़तीस डिग्री देख रहे हैं तो यहाँ पर कॉस नबे माइनसा क्या हो जाएगा साइन ठीठा हो जाएगा ठीक है साइन ठीठा तो ठीठा की जगह पर अड़तीस है ठीक है दोस्तों ये आपको कटेगा तो बच जाएगा कितना दो बचेगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा तो इतना सारा सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो ऐसे प्रश्न आएंगे इसके गुणांक जितना होगा वही आंसर हो जाएगा और नहीं गुणांक होगा तो इसका आंसर वन होगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं बहुत अच्छा प्रश्न दिखाई दे रहा है टेन थीटा बराबर रूट थ्री तो टेन रूट थ्री कितना डिग्री का मान होता है तो साठ डिग्री का मान होता है ऑप्शन नंबर राइट आंसर सही है आप लोग सूत्र बहुत अच्छा तरीका से याद कर लीजिएगा आपको मैथ में कहीं परेशानी नहीं होगी खासकर त्रिकोणमिति की बात करते हैं दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पर मान याद रखिएगा आपका कोई हिसाब में गड़बड़ी नहीं होगा ठीक है यहाँ पर कॉस साठ डिग्री प्लस वन दिया हुआ है और कोस से साठ डिग्री माइनस वन दिया हुआ है तो सबसे पहले कोच साठ का मान हमको मालूम होना चाहिए तो कोट साठ का मान आपको वन बाई टू होता है और प्लस वन हो जाएगा उसी तरह के यहाँ पर वन बाई टू माइनस वन हो जाएगा तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं बाटा का जोड़ कर लेते हैं नीचे बाटा का घटाओ तो दोस्तों यहाँ पर जब भी भिन्न हो और एक में नहीं हो तो हम लोग डायरेक्ट इसमें से गुना कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों वन प्लस हो जाएगा टू बाई टू हो जाएगा और यहाँ पर भी वन माइनस हो जाएगा टू बाय टू हो जाएगा तो ये टू से टू आपका ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर आपका दो बाई दो आएक तीन हो जाता है यहाँ दो में से एक गया माइनस वन हो जाता है तो आपका राइट आंसर माइनस तीन होगा जो माइनस तीन आपका राइट right आंसर बी में दिया हुआ है दोस्तों ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर टेन साठ का मान पूछ रहा है तो टेन साठ का मान कितना होता है तो रूट थ्री होता है ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा देखिए दोस्तों अभी आप लोगों को समझाए हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था पंद्रह था यहाँ पर बताए हैं ना कैसा उसका आंसर क्या होगा पंद्रह क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं उसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर आपका उन्नीस दिखाई दे रहा है तो देखिए इसमें कोई गुणांक आपका नहीं है तो इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो उसका आंसर राइट आंसर वन होगा ठीक है दोस्तों चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर बीस में चलते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बीस को देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका बीस क्या कर रहा है टेन ए बराबर होगा तो टेन का सूत्र क्या टेन ए बराबर क्या होता है कोर्ट नब्बे माइनस ए होता है तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका ए होगा आपको सूत्र याद रखने की पूरी ज़रूरत है ठीक है दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अब हम लोग इक्कीस नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर इक्कीस आपका बताया जा रहा है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर इक्कीस में आपका क्या है ध्यान दिया हो दीजिए यहाँ पर साइन ए बराबर तीन बटा चार है तो कौश ए का मान होगा तो साइन ए बराबर यहाँ पर आपको एक एंगल बनाना होगा तिरकुमिति का ए बी सी डी समुज बना लीजिए ये आपका साइन का होता है लम बटा कर्ण तो लंब आपका तीन हो जाता है कर्ण आपका कितना हो जाता है चार है ठीक है तो हमको आधार निकालना है तो आधार का सूत्र क्या होता है दोस्तों कर्ण का स्क्वायर कर्ण कितना है आपका चार है लंब कितना है तीन है तो चार का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? दोस्तों चार का स्क्वायर सोलह और तीन का स्क्वायर नौ होगा तो घटाएंगे तो रूट सेवन होगा तो यहाँ पर रूट आपका सेवन हो जाता है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर कॉस्ट हीटा का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण तो आधार आपका क्या है रूट सेवन कौन कितना है चार तो रूट सेवन बटा चार आंसर होगा क्या होगा रूट सेवन बटा चार आंसर होगा जो आपको ऑप्शन नंबर आपका डी में दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही होगा ठीक है दोस्तों चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर बाईस मेरा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर बाईस मेरा कह रहा है यहाँ पर जीरो के बराबर होगा तो यहाँ पर साइन नब्बे का मान क्या होता है जीरो के बराबर होता है ठीक है दोस्तों तो साइन नब्बे का मान हम लोग जीरो के बराबर ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट आंसर सही होगा ठीक है चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तेईस में क्वेश्चन नंबर तेईस में यहाँ पर देखिए सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नब्बे का मान होता है जो वन होता है ठीक है तो यहाँ पर बता दें तो ये ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी होगा ठीक है नब्बे डिग्री का मान होता है क्वेश्चन नब्बे डिग्री का मान क्या होता है जीरो डिग्री के बराबर होता है ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर तेईस में क्वेश्चन नंबर तेईस फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो हम लोग इक्स नंबर में बनाए हैं तो यहाँ पर ए e हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा तो कौश ए का मान क्या होता है आधार बट्टा कर्ण होता है तो आधार आपका तीन हो जाता है कर्ण पाँच हो जाता है ठीक है दोस्तों तो लंब ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कर्ण में से घटा लेते हैं तो कर्ण कितना है पाँच है तो पाँच का स्क्वायर माइनस तीन का स्क्वायर हो जाएगा तो पाँच का स्क्वायर पच्चीस तीन का स्क्वायर हो जाएगा नौ इसको घटाएंगे तो आप सोलह होगा सोलह का वर्गमूल मूल चार होगा ठीक है दोस्तों तो टेन थीटा बराबर लम्बटा आधार होता है तो लम्ब आपका चार दिया हुआ है आधार तीन है तो चार बटा तीन देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा राइट आंसर चार बटा तीन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौबीस में क्वेश्चन नंबर चौबीस मेरा क्या कह रहा है यहाँ पर साइन बयालीस बराबर ए दिया हुआ है तो कोर्स बयालीस बराबर बी दिया हुआ है तो कौन सा मान सत्य होगा तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए चौबीस का आपका राइट आंसर कौन सा होगा तो चौबीस का राइट आंसर ये यह होगा यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा ये कैसे होगा आप लोग को मालूम होगा ध्यान दीजिए चलिए यहाँ पर ए आपका राइट आंसर कैसे होगा हम बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कौस का सूत्र क्या होता है कौश ए का सूत्र आप लोग को मालूम होगा वन माइनस होता है साइन स्क्वायर होता है ठीक है दोस्तों वन माइनस साइन स्क्वायर होता है तो वन माइनस साइन स्क्वायर तो यहाँ पर साइन स्क्वायर का मान आपका दिया हुआ है ए तो यहाँ वन का वन ही रहेगा और साइन स्क्वायर के जगह पर क्या होगा ए होगा तो ए का स्क्वायर होगा तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही है चौबीस का ठीक है दोस्तों चलिए बहुत अच्छा बात है यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों अब बार बार हम आप लोगों को बता रहे हैं आपको सूत्र जहो बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखना पड़ेगा ध्यान दीजिए यहाँ पर कौशिक स्क्वायर थीठा माइनस कोट स्क्वायर थीठा का सूत्र वन होता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा चलिए बहुत अच्छी बात है यहाँ पर अब यहाँ पर ध्यान दीजिए छब्बीस नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है देखिए यहाँ पर कोट स्क्वायर स्क्त बराबर इतना है तीन है तो ठीठा का मान होगा तो ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर जब भी हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा कोट ठीठा बराबर कितना हो जाएगा रूट थ्री हो जाएगा स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा तो ये रूट थ्री कोर्ट कितना डिग्री का मान होता है तो तीस डिग्री का मान होता है आपका राइट आंसर जो है सी आंसर होगा ठीक है दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं बहुत अच्छा प्रश्न फिर से आ गया यहाँ पर ध्यान दिया जाए दोस्तों शेक ए बराबर पाँच बटा तीन दिया हुआ है तो टेन ए का मान उसी प्रकार फिर से हम लोग एंगल बना लेंगे यहाँ पर ए हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा यहाँ पर सी होगा तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए शेख का होता है कर्ण बटा आधार होता है क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है तो लम्ब याद करने के लिए आपको क्या होगा कर्ण में से आधार को हटा देना होगा ठीक है तो यहाँ पर पच्चीस कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा पच्चीस माइनस आधार का कितना हो जाएगा नौ इसको रूट अंदर कर देना है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सोलह सोलह का वर्गमूल हो जाता है चार ठीक है दोस्तों का क्या बटा, कितना है? चार है आधार कितना तो तो चलिए देखते हैं टेन स्क्वायर थीटा जो है किसके बराबर है तो टेन स्क्वायर थीटा जो है सबसे पहले टेन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है सेक्वायर माइनस वन होता है क्या होता है से स्क्वायर माइनस वन होता है या टेन स्क्वायर का सूत्र होता है साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर तो यहाँ पर चारों ऑप्शन को सबसे पहले हम लोग हल करके देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट आंसर सही होगा तो ऐसे हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका बी आंसर सही है क्योंकि वन माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का सूत्र होता है दोस्तों साइन स्क्वायर का सूत्र होता है यहाँ पर वन माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का सूत्र होता है तो अभी बताएं साइन बाई कॉस किसके बराबर होता है टेन के बराबर होता है दोस्तों तो आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर सही होगा चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर ध्यान दिया जाए दोस्तों कह रहा है सतर्कोमिति के कोनों का अनुपात या वह दो अनुपात तीन अनुपात चार इसमें इसका सबसे छोटा कौन कौन सा होगा तो आपको बता दें उनतीस का आपका राइट आंसर कौन सा होगा उनतीस का राइट आंसर आपका जो होगा बी नंबर राइट आंसर होगा सबसे छोटा कौन होगा ठीक है दोस्तों वो कैसे सबसे छोटा कौन होगा तो ध्यान दिया जाए सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं ए टू एक्स प्लस हो जाएगा आपका थ्री एक्स प्लस कितना हो जाएगा फोर एक्स तो तिरको का तीनों कोनों का योग कितना हो जाता है एक सौ अस्सी डिग्री हो जाता है दोस्तों तो चार तीन हो जाएगा सात और सात और दो कितना हो जाएगा नौ तो नौ हो जाएगा तो यहाँ पर नौ एक बराबर आपका एक सौ अस्सी हो जाता है नौ दुना अट्ठारह आपका कितना डिग्री हो जाता है बीस डिग्री हो जाता है दोस्तों ठीक है तो आपका एक्स का मान बीस हो जाता है तो इसमें हम सभी में रखेंगे दो गुने कितना हो जाएगा मेरा बीस पहला आपका अनुपात में तो कितना हो जाता है चालीस हो जाता है दूसरा अनुपात में तीन गुने हम लोग बीस रखेंगे तो साठ होगा चौथा में तीन चार गुने हम लोग बीस रखेंगे तो अस्सी होगा तो सबसे छोटा कोण आपका कितना हो जाता है बी नंबर आपका राइट आंसर सही होगा ठीक है दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं फिर वही बात आया से आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है वन होता है राइट आंसर वन होगा ठीक है दोस्तों चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर एक इकतीस में क्वेश्चन नंबर इक्तीस मेरा क्या कह रहा है आपको इसको अच्छी तरह से बनाना होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर ऐसे प्रश्न जब भी आए आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पर लागू करना पड़ेगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर कौश का पावर फोर है यहाँ पर वन का स्क्वायर वन ही होता है दोस्तों तो हम वन का स्क्वायर वन कर देते हैं तो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है क्योंकि उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे कौश स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों आप लोग को मालूम है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है दोस्तों तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो इसको हम लोग एक माइनस में लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पर एक माइनस में लिख देते हैं और एक लिखेंगे हम लोग प्लस में लिखेंगे दोस्तों चलिए बहुत अच्छी बात है आप लोग अच्छा तरह से समझ पा रहे हैं ध्यान दीजिएगा दोस्तों वन माइनस कोस स्क्वायर किसका सूत्र होता है तो साइन स्क्वायर का सूत्र होता है किसका होता है दोस्तों साइन स्क्वायर का होता है और इसका सूत्र नहीं होगा तो साइन स्क्वायर इंटू आपका आंसर हो जाएगा वन प्लस कॉश स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो यहाँ पर साइन स्क्वायर इंटू वन प्लस कॉश स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो वो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है तो लाइट यहाँ पर राइट right आंसर आपका बी ए नंबर आंसर है ठीक है दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं tan स्क्वायर का सूत्र क्या हो जब tan a का सूत्र क्या होगा किसके बराबर होगा तो आपको हम बता दें अभी हम बताएं हैं सर tan a स्क्वायर का सूत्र होता है sec स्क्वायर 1 तो वही आपका tan a का सूत्र हो जाएगा रूट अंदर sec स्क्वायर 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा चलिए दोस्तों हम 33 में देखते हैं 33 <coughs> में आपका sin का सूत्र आपको होता है यहां पर sin थीटा का सूत्र होता है दोस्तों 1 क्या बताए हैं कौशिक थीटा होता है तो यहाँ पर राइट right आंसर आपका बी नंबर होगा वन बटा कोश थीठा थीटा ठीक है दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौंतीस में चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौंतीस हम लोग देखते हैं चौतीस में यहाँ पर ध्यान दिया जाए दोस्तों शाइन स्क्वायर थीटा प्लस कौश स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है दोस्तों यहां पर ध्यान दिया जाए तो ऐसे प्रश्न जब भी आए यहाँ पर थीटा देख लेना है अगर दोनों थीटा सेम होगा तो उसका आंसर वन होगा कब जब साइन और साइन स्क्वायर और कोश स्क्वायर हो और ठीठा दोनों का सेम हो तो उसका आंसर दोस्तों वन होता है ठीक है दोस्तों क्योंकि फार्मूला से हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर सही होगा चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर से हम पैंतीस को देखते हैं क्वेश्चन नंबर पैंतीस आपका क्या कहता है यहाँ पर ध्यान दिया जाए दोस्तों ए कोस थीटा बराबर वन है उसी प्रकार बी साइन थीटा बराबर वन है तो टेन का मान ज्ञात करना है तो ध्यान दिया जाए दोस्तों यहाँ पर कोस थीटा बराबर यहाँ गुणांक ए है तो वन बटा क्या हो जाता है ये हो जाएगा उसी प्रकार यहाँ पर हम बटा कर लेते हैं और यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा तो इसका गुणांक बी है तो यहाँ पर वन बटा हो जाएगा आपका बी हो जाएगा तो यहाँ पर टेन के बराबर लाना है दोस्तों तो यहाँ पर टेन के बराबर लाने के लिए सबसे पहले साइन को ऊपर करेंगे और कस के नीचे करेंगे क्योंकि साइन बाई कोस क्या होता है वन होता है तो यहाँ पर हम लोग साइन को पहले ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर ध्यान दिया जाए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसका गुणांक बी है तो ये में है तो भाग लग जाएगा वन बटा बी हो जाएगा और यहाँ पर कॉस होगा कोस का क्या होगा वन बटा ए हो जाएगा दोस्तों इस तरह का जब भी प्रश्न है ये टेन हो जाएगा आपका साइन बाई कॉस टेन हो जाता है और ये आपको ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा ए बटा बी या इसका राइट आंसर सही होगा जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है बी नंबर राइट आंसर सही होगा ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग ध्यान दिया जाए दोस्तों इस तरह के जब भी प्रश्न आए और साइन और कॉस में आए और ठीठा का मान अलग अलग आपको दिखाई दे तो उसका मान आपका जीरो हो जाता है वो कैसे जीरो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर सही है दोस्तों कैसे जीरो होगा उसको हम विस्तार से अभी हम बताते हैं यहाँ पर दोस्तों साइन आपका दिया हुआ है चौवन डिग्री यहाँ पर कॉस जो है छत्तीस डिग्री है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पर लिखेंगे कौश नब्बे माइनस क्या लिखेंगे चौवन लिखेंगे ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर एक साइन चौवन का चौवन रहता है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कोर्स नब्बे माइनस ठीठा क्या होता है साइन थीटा होता है तो यहाँ पर साइन चौवन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है सर चौवन कैसे लिखे हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नब्बे माइनस चौवन हम लोग घटाएंगे तो छत्तीस का मेरा बराबर आ जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं आठ दशमलव तीन के फार्मूला लागू करके कोर्स नब्बे माइनस ठीठा क्या हो जाता है साइन थीटा होता है तो यहाँ पर थीटा का मान जो भी होगा यहाँ पर लिखाएगा तो साइंस चौवन में से साइंस चौवन घटेंगे तो कितना डिग्री होगा जीरो डिग्री का बराबर होगा उसी तरह का जीरो हो गया ठीक है दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं आगे यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है आपका ये फार्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कौश स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों वन होता है राइट आंसर दोस्तों वन हो जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं अभी अभी हम बताएं ध्यान दीजिएगा दोस्तों एक ट्रिक आप लोग सीख लीजिए आज ही जब भी जीरो डिग्री सात डिग्री तीस डिग्री पैंतालीस डिग्री के अलावा नब्बे डिग्री के अलावा अगर ऐसे आपको देखने को मिलता है तो आठ दशमलव तीन का सूत्र लागू होता है दोस्तों तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए दोस्तों अगर साइन होगा तो उसका आंसर क्या होगा कौश में होगा तो यहाँ पर कौस कितना डिग्री होगा ये भी आपको हम बता दें तो सबसे पहले यहाँ पर साइन बहत्तर है तो नब्बे में से हम लोग क्या करेंगे बहत्तर घटा लेते हैं तो मेरा राइट आंसर कितना होगा नब्बे में से अगर बहत्तर को घटा लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पर दस में से दो गया आठ हो जाएगा और इसको यहाँ पर पहचा दिया तो यहाँ पर अठारह हो जाएगा तो साइन किस में बदलता है दोस्तों कोस में तो कौस अठारह डिग्री आपका आंसर होगा अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए दोस्तों साइन कोस में बदलता है और यहाँ पर कौश सेक में कौश किस में बदलता है साइन में बदलता है और कौशे सेक में बदलता है सेक कौश में बदलता है और टैन कोट में बदलता है कोट टैन में बदलता है तो उसी प्रकार अगर यहाँ पर टैन दिया हुआ रहता है बहत्तर डिग्री तो आपका आंसर राइट आंसर कोट अठारह डिग्री हो जाता है ठीक है दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर ध्यान दिया जाए साइन ठीठा का महत्तम मान क्या होता है तो साइन क्या क्या कहते हैं थीटा का महत्तम मान आपको बता दें क्वेश्चन नंबर अड़तीस का आपका राइट आंसर सही होगा दोस्तों यहाँ पर साइन का तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए साइन थीटा का महत्तम मान आपका एक होगा क्योंकि एक से सभी साइन का मान छोटा होता है इसीलिए उसका महत्तम मान आपका एक होगा ठीक है दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं टेन थीटा बराबर आपका दिया हुआ है पाँच बट्टा बारह दिया हुआ है तो थीटा का मान ज्ञात करना है दोस्तों तो ध्यान दिया जाए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं समकोण त्रिभुज यहाँ पर आपको मालूम होगा टेन का होता है बटा आधार होता है दोस्तों तो लम्ब हो जाएगा बारह लम्ब हो जाएगा आपका कितना पाँच और आधार हो जाएगा बारह तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए दोस्तों कर्ण हमको ज्ञात करना है तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं लम्ब और आधार को जोड़ लेते हैं तो पाँच का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बारह का स्क्वायर हो जाएगा पाँच का स्क्वायर आपका पच्चीस हो जाता है और बारह का एक सौ चौवालिस हो जाता है तो एक सौ चौवालिस और बारह जब भी हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको बता दें एक सौ कितना आ जाएगा उनहत्तर आ जाएगा दोस्तों एक सौ उनहत्तर का वर्गमूल आपका तेरह हो जाता है तो साइठ थीटा बराबर आपका लम्ब बटा कर्ण होता है तो लम्ब आपका पाँच दिया हुआ है कर्ण आपका तेरह है तो पाँच बटा तेरा आंसर आपका राइट आंसर सही होगा जो आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सही है ठीक है दोस्तों चलिए बहुत अच्छा प्रश्न आ गया जो आपको आसान तो दिखाई दे रहा है लेकिन आप उसमें परेशान हो जाइएगा तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए साइन ठीठा बराबर कोस ठीठा दिया हुआ है तो यहाँ पर कॉस जब हम साइन के बटा में कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर साइन बटा कॉस कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका वन हो जाएगा फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो फिर मेरा साइन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर थीटा साइन थीटा बटा थीटा आपका कितना होता है तो आपको बता दे टेन थीटा होता है और टेन वन का मान कितना होता है तो पैंतालीस डिग्री का मान टेन वन होता है दोस्तों तो चलिए पैंतालीस डिग्री का मान आपका यहाँ पर राइट आंसर दे दिया हुआ है चलिए आगे हम लोग चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग साइन वन बाई टू का मान आपको कितना डिग्री का होता है तो साइन वन बाई टू आपका जो है तीस डिग्री का मान होता है तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर डी आंसर होगा चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तैंतालीस में क्वेश्चन नंबर तैतालीस में दोस्तों देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर टू हो गया और टें का मान जो होता है डायरेक्ट हम यहाँ पर मान रख बताते हैं दोस्तों क्योंकि इतना स्पेस नहीं है से आपको विस्तार से पूरे बताया जाए तो यहाँ पर टू गुने टें तीस का मान वन बाय रूट थ्री होता है दोस्तों और यहाँ पर बटा दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा दोस्तों वन प्लस टेन स्क्वायर किसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर का होता है यहाँ पर सेक स्क्वायर तीस डिग्री हो जाएगा तो जब भी वन बाई सेक स्क्वायर तीस का मान आप लोगों को मा मालूम है कितना डिग्री का मान होता है तो sec तीस डिग्री का मान होता है आपको बता दें हम टू बाय रूट थ्री होता है तो टू बाई रूट थ्री यहाँ पर जब स्क्वायर है तो इसको हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं ठीक है इतना पहले नोट कर लीजिए दोस्तों नोट कर लिए होंगे तो अब उसके बाद में हम लोग चलते हैं दोस्तों सबसे पहले इसको हम लोग गुना कर लेते हैं तो गुना करेंगे तो दो बटा कितना हो जाएगा रूट थ्री हो जाएगा और यहाँ पर दो का स्क्वायर आपका कितना होगा चार हो जाएगा और रूट थ्री का यहाँ पर आपका तीन हो जाएगा दोस्तों तो सबसे पहले यहाँ रूट थ्री को रूट थ्री मरतबे हम लोग काट देते हैं यहाँ पर आपका रूट थ्री हो जाएगा ध्यान दीजिएगा आपका कितना आया था दो बाय यहाँ पर तीन आया था और उसके बाद में चार बटा आपका कितना आया था यहाँ पर नहीं चार बटा नहीं यहाँ पर कितना है दो बटा रूट थ्री है यहाँ पर चार बटा आपका तीन आया था ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाग को गुना में बदल लेते हैं तो यहाँ पर टू बाई रूट थ्री यहाँ पर गुना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर टू बाई रूट थ्री गुना तीन ऊपर चल जाएगा चार नीचे चले तो इसको हम ऐसे काट लेते हैं यहाँ रूट थ्री मरतबे कट जाता है ठीक है तो रूट थ्री बटा टू आपका किसका मान होता है तो रूट थ्री बटा टू आपका साइंस सात डिग्री का मान होता है दोस्तों तो यहाँ पर साइंस सात डिग्री का मान दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होगा ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर वन हो जाएगा टेन पैंतालीस का मान वन होता है वन का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों उसी तरह के वन प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा तो वन में से वन गया यहाँ वन का स्क्वायर वन ही होता है तो वन में से वन गया जीरो बटा हो जाता है टू तो जीरो बटर टू तो, जीरो में टू से भाग देंगे तो जीरो होगा तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा आपका राइट आंसर डी आंसर राइट आंसर होगा ठीक है दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं पैंतालीस नंबर मेरा प्रश्न क्या कहता है पैंतालीस नंबर प्रश्न में यहाँ पर साइन टू ए का सूत्र होता है टू साइन ए टू साइन ए इंटू कौ ए बराबर सूत्र होता है दोस्तों यहाँ पर टू साइन ए का टू साइन ए रहेगा यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो टू साइन ए से टू साइन ए कट जाता है कोस ए बराबर आपका वन हो जाता है तो वन तीस का डिग्री का मान होता है तो कोस जीरो डिग्री का मान होता है तो आपका राइट आंसर ए आंसर राइट आंसर हो जाता है ठीक है दोस्तों उसी प्रकार आपका छियालीस नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर छियालीस का सेम उसी तरह के बनाना है दोस्तों यहाँ पर टू गुने लिख देते हैं कॉस तीस का मान वन बाई रूट टू हो जाता है अब उसको हम लोग क्या करेंगे विस्तार से यहाँ पर टेन तीस का मान रख कर का घटाव कर लेते हैं और उसी तरह की क्रिया करेंगे तो मेरा छियालीस का आंसर राइट आंसर हो जाता है दोस्तों आपका कौन सा छियालीस का राइट आंसर हो जाएगा आपको हम बता दें तो छियालीस का आपका राइट आंसर यहाँ पर जो होगा देखते हैं हम लोग कितना होगा छियालीस का तो राइट आंसर छियालीस का आपका तीस हो जाता चलिए यहाँ पर छियालीस का राइट आंसर आपका हो जाता है टेन साठ डिग्री का मान होगा और यहाँ पर हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखिए सैंतालीस का क्वेश्चन तो बड़ा दिख रहा है लेकिन ऐसे प्रश्न आपको जब भी पूछा जाए तो तिरकुमितीय अनुपात में जो होता है टेन पैंतालीस टेन साठ ऐसे करके होता है तो अपरिभाषित को छोड़कर कर यहाँ पर ठीठा का मान रख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं नहीं तो आपको एक पेज लगेगा बनाने में दोस्तों तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जहाँ जहाँ ठीठा होगा वहाँ वहाँ हम लोग पैंतालीस डिग्री रख लेते हैं ठीक है दोस्तों यहाँ पर पैंतालीस डिग्री तो यहाँ पर वन का वन होगा पेन पैंतालीस का मान वन होता है यहाँ पर हो जाएगा सेक पैंतालीस का हो जाता है रूट टू हो जाता है चलिए यहाँ पर देखते हैं और इन टू यहाँ पर वन प्लस फिर वन हो, वस हो जाएगा और कौशिक पैंतालीस का मान कितना हो जाएगा रूट टू हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर वन वन कितना हो जाता है टू हो जाएगा अब प्लस कितना हो जाएगा रूट टू इन टू इस यहाँ पर भी वहाँ जहाँ हो जाएगा टू माइनस वन प्लस वन माइनस रूट टू हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो देखिए यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस में है तो इसका सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र पर इसको हल कर लेते हैं तो दो का स्क्वायर कितना हो जाता है मेरा चार हो जाएगा और रूट टू का स्क्वायर टू होगा तो चार में से दो गया तो दो हो जाएगा आप लोग मालूम है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र तो वही है ये आपका हो जाएगा टू तो टू का स्क्वायर चार और रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा टू हो जाएगा तो चार में से दो गया दो होगा तो देखिए राइट आंसर आपका आपका राइट आंसर सी आंसर हो जाता है ठीक है दोस्तों चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे हम लोग अड़तालीस का क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर अड़तालीस में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर से मा सूत्र होता है वन बटा कोस ठीठा वन बटा कोस ए हो जाएगा और प्लस टेन का हो जाएगा साइन बाई ए हो जाता है साइन बाई ए साइन बाई ए हो जाएगा अब इसको इसके बाद हम लोग क्या करेंगे साइन बाई कोस हो जाएगा यहाँ पर ठीक है साइन बाई कोस अब इसको हम लोग क्या करते हैं जैसे के तैसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर लिख लेंगे ठीक है अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं वन यहाँ तो पर कोश कोश का लघुतम कोस होगा तो इसका जो है बटा पर जोड़ करते हैं तो बटा पर जोड़ करेंगे तो मेरा आएगा वन प्लस साइन ए आ जाएगा और बटा क्या हो जाएगा मेरा कितना एलसीएम था कॉस ए हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा वन माइनस साइन ए होगा ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र के अनुसार मेरा हो जाएगा यहाँ पर वन का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा कोस का स्क्वायर होगा या साइन का तो यहाँ पर आपका साइन का स्क्वायर हो जाता है ठीक है दोस्तों साइन का स्क्वायर हो जाएगा अब बाटा में कितना था कॉस होगा ठीक है तो वन माइनस साइन स्क्वायर सूत्र किसका हो जाता है कॉस स्क्वायर का हो जाता है तो कॉस स्क्वायर ए बटा हो जाएगा कोस कॉस ए हो जाएगा तो एक कोर्स ए कोर्स खत्म हो जाएगा तो बचेगा ये एक कोस हो जाएगा ठीक है तो आपका राइट आंसर हो जाता है कॉस ए तो कॉस ए आपका राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर कॉस ए आपका डी नंबर राइट आंसर होगा ठीक है चलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर वन प्लस टेन स्क्वायर किसका सूत्र होता है सी स्क्वायर का होता है से के स्क्वायर ए यहाँ पर हो जाएगा कौशे स्क्वायर यहाँ का ध्यान दीजिएगा का वन बाई क्या हो जाता है से का सूत्र हो जाता है वन बाई कॉस यहाँ पर कौशे का हो जाएगा वन बाई साइन तो जब भी ऐसा होगा तो ऊपर वाला ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर साइन ऊपर जाएगा तो साइन बाई कॉस कितने के, के बराबर होते हैं टेन स्क्वायर के बराबर होते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी नंबर राइट आंसर सही होगा चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस तरह के जब भी प्रश्न पूछा जाए दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र पर बैठा लेते हैं तो यहाँ कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर साइन का साइन स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस में होगा दोस्तों तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा ठीक है ध्यान दीजिए तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आइए यही होगा एक आपका कॉस स्क्वायर माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा इन टू में होगा ठीक है दोस्तों इन टू में होगा तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर वन होता है तो यहाँ पर वन हो जाएगा इन टू हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर इसका राइट आंसर सही होगा ध्यान दीजिएगा चलिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है तो फिर हम लोग क्या करेंगे साइन को परिवर्तन करेंगे कॉस में या कॉस को परिवर्तन करेंगे साइन में करेंगे तो उस तरह के करने से आपका जो है पचास का राइट आंसर जो हो जाएगा आपको बता दें हम पचास का राइट आंसर जो है कितना होगा चलिए यहाँ पर बी नंबर उस तरह का कीजिएगा तो बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा तो दोस्तों इतना ही कहकर अपने शब्दों को समाप्त करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और मुझे हेल्प कीजिए दोस्तों के पास शेयर कीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके ठीक है